हेलो दोस्तों, आज हम अपनी इस वीडियो में लेकर आए हैं आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए, बताने के लिए कि इम्प्रूवमेंट एग्जाम क्या होता है और वो कैसे कंडक्ट होता है। जी हाँ, अगर आपके 12th क्लास में मार्क्स जो है वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं आए हैं, जिस भी बच्चे के एग्जाम्स में वो अपने एग्जाम्स के मार्क्स से खुश नहीं है, 12th के एग्जाम के मार्क्स से खुश नहीं है, तो वो बच्चा 12th क्लास में दोबारा से रीअपियर होकर इम्प्रूवमेंट के एग्जाम दे सकता है। ये इम्प्रूवमेंट का एग्जाम है क्या? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके मार्क्स जो हैं वो आपके सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, आपके अकॉर्डिंग नहीं है, आपके आशाओं के अकॉर्डिंग नहीं है, तो आप दोबारा से एज अ प्राइवेट कैंडिडेट CBSE में एनरोल करवा सकते हैं और दोबारा से आप एग्जाम्स दे सकते हैं नेक्स्ट ईयर। ये आप चाहें तो किसी एक सब्जेक्ट से लेकर 6 सब्जेक्ट, आप किसी भी सब्जेक्ट में दे सकते हैं, चाहे तो 2 में 3 में या फिर 6 के 6, या फिर पूरे जितने भी आपके टोटल सब्जेक्ट्स हैं ऑल सब्जेक्ट्स भी आप इम्प्रूवमेंट के लिए दे सकते हैं। मोस्टली जो इसका रजिस्ट्रेशन का टाइम रहता है वो नवंबर के आसपास रहता है। रजिस्ट्रेशन से जुड़ी हुई तमाम तरीके की जानकारी हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध है, लिंक्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, तो आप वहाँ से सारी जानकारी इजीली ले सकते हैं। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि आपका जो एग्जाम सेंटर है वो क्या होगा। क्या आपके अपने ही स्कूल में होगा जो प्रीवियस आपका स्कूल था, या फिर आपका कहीं और पड़ेगा? जी हाँ, बिल्कुल, जैसा ही आपका एग्जाम सेंटर पड़ता है, कहीं भी आपका एग्जाम सेंटर CBSE वाले डाल सकते हैं, वो आपका एग्जाम सेंटर बिल्कुल सेम आपका जो है वो एडमिट कार्ड आएगा और उसी के अकॉर्डिंग आपका एग्जाम सेंटर पड़ेगा। आपका जो एग्जाम कंडक्ट होगा वो आप उन बच्चों के साथ होगा जो अब नेक्स्ट ईयर अपियर हो रहे हैं, यानी कि जो अब से नेक्स्ट ईयर अपियर होंगे, आपका एग्जाम उन्हीं के साथ कंडक्ट होगा और उन्हीं के साथ आपका सेंटर जो है वो पड़ेगा। लेकिन जो आपका रजिस्ट्रेशन होगा वो एज अ प्राइवेट कैंडिडेट होगा, एज अ स्कूल कैंडिडेट नहीं होगा। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं मार्कशीट के बारे में। देखिए दोस्तों, जब आप इम्प्रूवमेंट का एग्जाम देंगे तो आपकी 2 मार्कशीट हो जाएंगी। 1 मार्कशीट वो है जो कि आपकी प्रीवियस थी, जिससे आप सेटिस्फाई नहीं है। दूसरी जो आपकी मार्कशीट रहेगी वो होगी जो कि अब इम्प्रूवमेंट देने के बाद आपकी आई है। दोस्तों, ये ऑप्शन आपके पास रहता है कि आप अपनी कौन सी मार्कशीट को वैलिडेट करवाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके मार्क्स ज़्यादा अच्छे नहीं आए इम्प्रूवमेंट देने के बाद भी, और अगर आप चाहते हैं कि दोबारा से आप अपनी प्रीवियस जो मार्कशीट है आप उसको वैलिडेट करवाएं, तो आप उसको भी प्रेफरेंस में ले सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके नेक्स्ट टाइम इम्प्रूवमेंट में जो है मार्क्स इंप्रूव हो गए हैं, चाहे वो 2-3% से क्यों ना हो, तो आप उसको जो न्यू वाली मार्कशीट है आप उसको वैलिडेट करवा सकते हैं। तो दोस्तों, ये पूरा ऑप्शन आपके पास रहता है कि आप जो नई वाली मार्कशीट है वो आप उसको कंसीडर कर सकते हैं, या फिर आप पुरानी वाली मार्कशीट को कंसीडर करवाएं। ये ऑप्शन पूरी तरीके से आप लोगों के पास रहता है। दोस्तों, इम्प्रूवमेंट से जुड़ी हुई जो भी आप इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, इम्प्रूवमेंट एग्जाम CBSE हो या फिर किसी भी बोर्ड से हो, आप अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप हमसे बेझिझक पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, हमें मेल कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स आए हुए हैं, हम उन पर वीडियो बनाने की या फिर हम उनके क्वेश्चन आंसर रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आप भी हमें हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं तो, ताकि आप इम्प्रूवमेंट से जुड़ी हुई तमाम तरीके की जानकारी आप तक इसी तरीके से पहुँचती रहे। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो बनाने का एक खास मकसद है, हम उन बच्चों तक पहुंचना चाहते हैं जो ऐसी जगह पर रहते हैं जहां पर कोचिंग सेंटर, ट्यूशन सेंटर या फिर कॉलेजेस नहीं है, जिनके पेरेंट्स हैवी फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, उन्हें कोचिंग सेंटर्स में नहीं भेज सकते। फ्रेंड्स, आप भी हमारी इस मुहिम में सहायता कर सकते हैं इन वीडियोज को शेयर करके। फ्रेंड्स, याद रहे, आपका एक शेयर किसी बच्चे की जिंदगी बदल सकता है, तो इन वीडियोज को व्हाट्सएप और फेसबुक के जरिए ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, या अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली सारी जरूरी वीडियोस आप तक ऐसे ही पहुंचती रहे। फ्रेंड्स, अगर आप किसी खास तरीके की इन्फॉर्मेशन हमसे चाहते हैं, या अगर आप कोई सजेशन हमें देना चाहते हैं, या अगर आप चाहते हैं कि किसी खास टॉपिक पर हम वीडियोज बनाएं, तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बता सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप किसी टॉपिक से रिलेटेड नोट्स चाहते हैं, प्रीवियस पेपर चाहते हैं, 10 ईयर चाहते हैं, या फिर अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए, तो आप हमारे फेसबुक पेज पर जाकर या फिर हमारी वेबसाइट पर जाकर सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। सारी जानकारी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, सारे लिंक्स की जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से जाकर आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।